बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट शेफ से और वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। और ये स्टॉल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और ये एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितना भी सी फूड है वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है, लॉबस्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड, श्रिम्प, सब कुछ है यहाँ पे, एंड दैट टू बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट में। सो आइए थोड़ा सा शेफ के साथ बातें करते हैं। तो भाई आज मुझे आप क्या खिला रहे हैं? एक्चुअली आज आपका सबसे मेरा जो इधर का डिश है फेवरेट डिश का बोला जाता है सिग्नेचर डिश बेग पीस एंड चीज़, ऑक्टोपस के लिए आपका अनिशली ऑक्टोपस एंड देन स्क्विड के लिए चिल्ली विले केप्सिस। और आपका मनपसंद का सबसे फेवरेट ड्रिंक जो है वो हम लोग का न्यू लॉन्चिंग आइटम है मोकाचिनो, ये नेस्कैफे का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली अगर कोई इस स्टॉल में आ रहा है तो उसे क्या क्या ट्राई करना चाहिए? देखिए इस स्टॉल में तो बहुत सारे के प्रोडक्ट है, फिश से शुरुआत करके श्रिम्प, स्क्विड, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, क्रैब, ऑल्सो चिकन, वेज एंड ड्रिंक्स ऑल्सो। तो हम सारी आइटम का ऊपर ही फोकस करते हैं कस्टमर को अलग अलग टेस्ट देने के लिए। कोई वो बोलता है ऑक्टोपस देने के लिए तो हम सजेस्ट करेगा ऑक्टोपस के लिए हम लोग का पास तीनों टाइप का सॉस का टॉस होता है, एक आपका चिल्ली विली, दूसरा हनी चिली एंड इटालियन सॉस। तो स्क्विड का ऊपर भी तीन सॉस का है, श्रिम्प का ऊपर मेरा 6 आइटम्स है और फिश का ऊपर भी मेरा 8 आइटम्स है, चिकन का ऊपर 8 आइटम्स एंड वेज का ऊपर भी 8 आइटम्स है। तो सारी आइटम्स को हम पहले कस्टमर को अप्रोच दे रहा है कि ये आइटम सबसे बढ़िया हो। इसके मान लीजिए फिश का ऊपर जो आएगा आपका बिग फिश एंड चीज हम लोग का सिग्नेचर आइटम, उसका बात हो गया क्रिस्पी टाइप का कुछ आइटम खिलाना चाहेगा तो फिश के थ्रू डिप्स ट्राई कर सकता है। सेम का ऊपर चाहिए क्रिस्पी टाइप बटरफ्लाई सेम तो मस्ट मैंने रेगुलर आइटम एंड देन हनी एंड चिल्ली सेम वो भी अच्छा है। स्क्विड का ऊपर चिल्ली मिली क्रिस्पी स्क्विड है, ऑक्टोपस का ऊपर ऑक्टोपस इटालियन सॉस द बेस्ट आइटम, चिकन का ऊपर अब जाएगा स्टफ चिकन करी वाला दिस प्रोडक्ट इज द सिग्नेचर प्रोडक्ट। तो गाइस यहाँ पे दो बहुत ही अनकॉमन डिशेस है, एक हनी चिली ऑक्टोपस और चिली मिली स्क्विड, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे ट्राई करके दिखाते हैं। बट और एक डिश है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। हम लोग का सिग्नेचर आइटम है बेक पीस एंड चीज। ओके, सो ये एक ऐसा डिश है जिसके बारे में बहुत ही आराम से इंट्रोडक्शन दूंगी, सो इसके बारे में बाद में आते हैं। और इसे मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसा है, क्रिस्पी नाम है तो क्रिस्पी है कि नहीं वो भी चेक करती हूँ। इट इज अमेजिंग गाइस, इसका नाम जैसा है चिल्ली मिली, स्पाइसी है, क्रिस्पी है, टेस्टी है, और क्या चाहिए। सो गाइस इसको तो मैं 10/10 रेटिंग दूंगी, आप यहाँ पे आए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, छोड़ना मत। तो नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं, ये है ऑक्टोपस। लास्ट वीडियो में जब ITC में गई थी तो मैंने ऑक्टोपस का आपको वीडियो दिखाया था और आज मैं आई हूँ फूड बे से ऑक्टोपस लेने। आई डोंट नो ऑक्टोपस से मुझे क्या प्यार हो गया है, बट ठीक है चलो ट्राई करते हैं। इसका प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ, आफ्टर टैक्स इट इज़ 249 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है, डिसेंट प्राइस है और क्वांटिटी भी बहुत सही है। अगर आप 1% इसे खा सकते हैं आराम से, इवन 2% भी इसे आराम से शेयर करके खा सकते हैं, इट इज़ फुलफिलिंग, देखने में तो बहुत सही लग रहा है। आप खा के बता दें, वैसे ये मेरा सेकेंड ट्राई है, जो मैंने वो ट्राई किया था वो सिंपली टॉस था और ये फ्राइड है,
तो इसका टेस्ट डेफिनेटली अलग होने वाला है। गाइस इट इज अमेजिंग। अगर आप सी फूड के फैन है ना, फूड में आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आने के लिए, बिकॉज हम लोग हमेशा रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं। ऑफकोर्स मैं अभी सीढ़ी पे बैठ के खा रही हूँ, जो कि एक अच्छा डील नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से एंड टेस्ट के हिसाब से दिस इज 10/10 और आपको यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए। और अब मैं ये ट्राई करती हूँ जो कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर डिश है यहाँ का, मतलब ये तो ट्राई आपको करना ही करना चाहिए। और इसका प्राइस है 179 रुपीज़। और मैं देख सक रही हूँ कि इसमें बहुत सारा चीज़ है, भर भर के चीज़ है, और फिश के साथ इन्होंने मशरूम भी लिया है, जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वैसे मैं इसको सबसे पहले ट्राई करना चाहती थी, बट मैं अभी ट्राई करके बता रही हूँ। कौन सा दिन मुझे अपलोड करना है, कितने बजे आप फ्री हो मेरा वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।